अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं हैदर अली और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हैदर अली। आज हम लोग आड़ा बशारत, एक इलाका है बहुत प्यारा, उसका विज़िट करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी हम विज़िट करवाते हैं आड़े बशारत का, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अब हम आड़े बशारत की तरफ जा रहे हैं। मंटरो का इलाका है, तो ये भी सेम उसी तरह की रोड है जो रोड वहाँ पे है ना, सेम वही ये ऊपर आड़े बशारत की तरफ जो रोड जा रहा है ना, उसी तरह का ही बनाया हुआ है, उसी तर्ज का। ये देखें जी, बहुत प्यारा रोड बनाया इन्होंने। ये आड़ा और बशारत दो भाई थे, तो उनके नाम से ना ये फिर इलाके बन गए, एक आड़ा एक बशारत, और उनके नाम से ही ये ना इलाके जो उनसे हैं मंसूब हैं। ये वो रोड है जहाँ से हम ऊपर आए हैं, और ये ऊपर आड़े की तरफ ये रोड जाता है। ये ट्रक आप देख रहे हैं कि जा रहा है नीचे की तरफ, जिस जगह से हम आए हैं, और ये सेम उसी तरह ही बनाया हुआ है जो बलूचिस्तान के साथ टच करता है, फोर्ट मंटरो का इलाका, वो रोड भी इसी तरह का ही है, और ये सेम उसी तरह का बनाया इन्होंने। और ये ऊपर से पहाड़ के ऊपर से देखें, घर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये जो गांव है साथ टच करते हैं, और ये रोड बिल्कुल ज़िगज़ैग रोड बना हुआ है। हाँ जी, ये मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ है, ये जो है पत्थर है, ये रेड स्टोन कहलाता है, और ये शहरों के अंदर जो मकान वगैरह बनते हैं या जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा ये उस चीज़ का ये ना पहाड़ है रेड स्टोन का। तो अब हम लोग वापसी के लिए जाएंगे नीचे की तरफ, तो आपको वो भी दिखाते हैं सारे नज़ारे। ये देखें पहाड़ का सारा नज़ारा करें यहाँ से। ये हमारे आगे जो सा ये ट्रक जा रहा है, ये भी बहुत स्लो जा रहा है, और हम लोग भी स्लो ही जा रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो इधर जो सा है बहुत एहतियात करनी चाहिए, बजाय इसके कि बंदा जल्दबाजी में कोई नुकसान कर ले अपना, तो ये है कि देर से पहुँचना जो सा है बेहतर है। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। आज हमने आपको विज़िट करवाया आड़ा बशारत की तरफ, जो रोड जाता है पहाड़ों में से गुज़र के उसका। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारी छोटी सी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।